चाहिए कोई किया करा सौतन से छुटकारा मंचा प्यार उसके लिए मिले बाबा तांत्रिक यहाँ का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे। ये तो जलिए वाला बाग क्रॉस करना उनके टेम्पलेट वहीं पे पड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हमारा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है और आज हमारे साथ सभी दोस्त भी हैं। तो आज जो है हम जाने वाले हैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं सभी दोस्त हैं, ये है अमन, हेलो शाहरुख, आफरीदी, बिलाल। सबसे बिलाल देता हूँ आपको, ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड गुरसिमरन। हाउ आर यू फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस, और ये है शुभम, ये है दिनेश, और ये है राजेंद्र, और ये है मेरा फेवरेट अंकित, और कौन है, और ये है उबैद। तो आज हम सभी जा रहे हैं गोल्डन टेंपल अमृतसर और आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल और सभी मेरे साथ है अभी गुरसिमरन सिंह, कुछ बोलो, मेरा पक्का दोस्त। हम जा रहे हैं आज गोल्डन टेंपल, गोल्डन टेंपल हमारे यहाँ पे नियर ही है। हम यहाँ पे हमारी पोस्टिंग लगी थी, स्कैटरिंग पोस्टिंग, और हम साथ साथ एक्सपीरियंस ले रहे हैं और साथ साथ हमारा एंजॉयमेंट चल रहा है। आज हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल और देखेंगे वहाँ का माहौल क्या, नेचर है वहाँ के, सुनते हैं, पॉजिटिविटी ले गए। हाँ सही है, हमारे यहाँ पर साइकेट्रिक पोस्टिंग लगती है तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। आज संडे थी तो हमने सोचा कहीं घूम के आते हैं, तो हमने सोचा कि गोल्डन टेंपल चले जाते हैं। ये सामने हमारा बाजार है, पीछे हमारा घर रह चुका है। A few moments later. तो गाइज अभी हम पहुंच गए अमृतसर और मेरे साथ है गुरसिमरन, और गुरसिमरन हमें बताएंगे इसके बारे में, अमृतसर गोल्डन टेंपल है उसके बारे में कुछ बताओ। सबसे महान जगह जिसे देखने के लिए हजारों लाखों लोग दर्शन भक्त देखने के लिए आते हैं, ये है हमारी हेरिटेज स्ट्रीट यहाँ की, अमृतसर की सबसे मशहूर और सबसे बहुत ज्यादा जो है प्रभावित और लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाली ये हेरिटेज स्ट्रीट बनाई चुकी है। देखिए आप सभी गाइस, ये हेरिटेज स्ट्रीट है और ये वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया हुआ है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यहाँ पे स्टैचू भी बनाया गया हुआ है। ये बड़ी गैलरी बनाई हुई है यहाँ पे, सारागढ़ी नमाज थोड़ा आगे है, वो आगे सारागढ़ी नमाज दिखाइए, वो देखो गाइस सारागढ़ी नमाज। ये है रंग पंजाब से यहाँ पे म्यूजियम बना हुआ है, अच्छा बहुत देखने के लिए। किस चीज का म्यूजियम है? इसमें सभी पार्टीशन म्यूजियम है, जो कि पार्टीशन को पहले जब अमृतसर और पंजाब का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो बंटवारे की यहाँ पे कुछ पिक्स है उनके याद को, मतलब कि उनके कैसे उनके ऊपर हुआ था, कैसे अत्याचार, जो भी सब कुछ ऐसा बनाया गया है। म्यूजियम देखे सभी भाई, वो सामने जलियांवाला बाग आ गया जहाँ पे 1999 में जब जनरल डायर ने गोलियों से आदेश किया था, वो सामने जलियांवाला बाग है। वहाँ की एंट्री स्टार्ट होती है 9:30 से, ना 10 बजे से तकरीबन 6:30 तक वो खुला रहता है, फ्री एंट्री है सब देखने, अच्छा बना हुआ है। तो गाइज आपको हम जलियांवाला बाग भी दिखाएंगे आगे, ये डिस्प्ले चल रही है जहाँ पे 2400 घंटे प्रसारण चलता है, कीर्तन होता है यहाँ पे सब आता है। ये यहाँ पे बड़े बड़े बाग पर बड़े बड़े प्रोजेक्टर आते हैं। ये सारागढ़ी नमाज जो 21 सिंह शहीद हुए थे सारागढ़ी अफगानिस्तान में, जो लड़ाकों के साथ 21,000 फौज के साथ 21 सिंह ही लड़े थे जब 11,000 की फौज थी, तो उसके लिए यहाँ पे उनकी याद में एक समर्थन बनाया गया हुआ है, उनके लिए एक निवास स्थान बनाया होता है, उन्हें लोग याद करते रहे। इतना महंगाई नहीं है, सब अच्छा आया सब। तो गाइज अगर आप अमृतसर कभी भी आते हैं तो इस जगह पे जरूर आइए। तो गाइज यहाँ पर जो है जब हमने इसमें एंटर करना होता है तो पहले हमें यहाँ पर शूज जो है जमा करने होते हैं, अभी हम वहीं पर जा रहे हैं अपने शूज जमा करने। तो गाइस यहाँ से अभी ये जा रहे हैं और इनको वहाँ पर एक टोकन मिलेगा शूज का। गाइस यहाँ पर हमें टोकन मिल गया है, जब हम वहाँ से वापस आएंगे तो हमें अपने शूज जो है वापस मिलेंगे। अभी हमें जाना है, इस साइड से अंदर जाना है। तो देखे सबसे बड़े हाल को, ये यहाँ पे बड़ी संगत इकट्ठी होती है यहाँ पे, देखिए ये देखिए नीचे उतरने के लिए नीचे आ जाएंगे यहाँ पे लगे हुए। तो गाइस पहले हमें यहाँ से हाथ धो लेते हैं। तो
अभी हमें एंटर करने से पहले अपने सर पे ये बांधना होगा। तो चलिए गाइस, तो गाइस ये हम अभी पहुंच गए हैं गोल्डन टेंपल और ये आप देख सकते हैं आगे जो मेरे सामने जो ये इमारत है यही इसी को कहते हैं गोल्डन टेंपल। तो यहाँ पर गुरसिमरन हमारे साथ है जो हमें बताएंगे इस गोल्डन टेंपल के बारे में कुछ। नमस्ते गाइस, मैं गुरसिमरन सिंह एक बार फिर से आपसे हाजिर हुआ हूँ, रूबरू हुआ हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ गोल्डन टेंपल। गोल्डन टेंपल इसे क्यों कहा गया है, ये हमारे सिखों की सबसे जो है मजार ऐसी है, जान के ऐसी हमारी मजार है, ऐसा टेंपल है हमारा जो हमारे लिए पूजनीय है, एक मक्का है हमारे लिए, मुसलमानों का जैसे मक्का है, हिंदुओं का जैसे कि हरिजन है, तो जगन्नाथ है, वैसे हमारे लिए गोल्डन टेंपल है। देखा हम यहाँ पे आए हैं, ये गोल्डन टेंपल हमारे सिखों की एक धार्मिक प्लेस बनाया हुआ है। ये हरिमंदर साहब इसे कहते हैं, इसे गोल्डन टेंपल और हरिमंदर साहब हम कहते हैं इसे। ये गोल्ड बिल्कुल गोल्डन का, इसके ऊपर परत चढ़ी हुई है गोल्डन का, ये बना हुआ है, ये महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में बनाया, उन्होंने ये सेवा करवाई है महाराजा रणजीत सिंह में इसके गोल्डन की। ये है बेरी साहब, यहाँ पे बेरी है, वो हमारा काल तख्त है, उसको काल तख्त कहते हैं जो गोल्डन साइड है, वो साइड वाला वो काल तख्त है, यहाँ पे हमारा जैसे सुप्रीम कोर्ट इंडिया का है, जुडिशियल कोर्ट है, वो हमारे सिखों की कोर्ट। जो आगे बना हुआ है वो गोल्डन का ऊपर वो जो इसपे गुम्बा लगा हुआ है, तो गुरसिमरन बता रहे हैं कि यहाँ से जो है ये जो है सिखों का एक तरीके का सुप्रीम कोर्ट है, जैसे यहाँ से जो है कोई भी ऑर्डर पास होता है तो सारे सिखों को जो है उस पर अमल करनी पड़ती है। इसके आगे सामने यहाँ पर है गोल्डन टेंपल जो आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम बाहर आ गए हैं गोल्डन टेंपल से और हम यहाँ पर अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं, अभी गुरसिमरन वगैरह वो अंदर ही है, लंगर खाने गए हैं वो। और गाइस हमने वहाँ पर म्यूज़ियम भी घूमा है, लेकिन म्यूज़ियम में जो है कैमरा अलाउड नहीं था तो वहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। तो अभी हम बाहर उनका वेट कर रहे हैं, जब आएंगे वो तो उसके बाद हम किसी दूसरी जगह जाते हैं, या तो जलियांवाला बाग जाएंगे या किसी और जगह। तो गाइज अभी हम जो है यहाँ गुरुद्वारे से बाहर आए हैं और हम अभी जा रहे हैं जलियांवाला बाग, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों को मारा गया था, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका एंट्री साइड है। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, गाइज पहले हम गैलरी एंट्री में चले जाते हैं। तो ये इसका मैप है यहाँ पर, और यह यहाँ पर इसकी फुटेज चल रही है क्या हुआ था उस टाइम। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं और अंदर से यहाँ पर दूसरी फुटेज चल रही है जैसे केयर की। गाइस ये था यहाँ पर इस वाली फर्स्ट गैलरी में, तो अभी हम चले जाते हैं बाहर। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं अंदर जलियांवाला बाग में और मेरे को कुछ इसके बारे में खास पता नहीं है, लेकिन इतना मैंने नेट से सर्च किया था कि यहाँ पर 1919 में यहाँ पर हत्याकांड हुआ था, जो जनरल डायर यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी और यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट था, यहाँ पे अंदर लोग अपने आंदोलन के लिए बैठे हुए थे। जब वो यहाँ पे बैठे हुए थे तो बाहर से अंग्रेजों के जनरल डायर ने 1919 में उन लोगों को खत्म करने के लिए उन पर गोलियां चला दी गई थी, तो लोग उन गोलियों से बचने के लिए कहीं लोग कुएं के अंदर डूब गए, कहीं पर यहीं पर सारे लोग मर गए क्योंकि उनके पास ना हथियार थे ना उनके पास छुपने की कोई जगह थी। जैसा कि आप देख सकते हैं वो कुआं है, यहाँ पे पहले ऐसे ऊंची ऊंची दीवारें हुआ करती थी, ना कोई बाहर जा सकता था ना कोई अंदर आ, पहले सिर्फ आने के लिए सिर्फ एक दरवाजा था, वहाँ पे भी आर्मी बैठी हुई थी, यानी कि तकरीबन 2000 सैनिक थे तकरीबन, और उन्होंने 2000 सैनिकों ने एकदम लगा और गोली फायरिंग की जनरल डायर के हुक्म पे, तो पर के निशान यहाँ पे आज भी पाए जाते हैं, ये यहाँ पे कमल के फूल और स्मारक के नाम पे जाना गया है। अभी आपको ले चलते हैं वहाँ पर उस कुएं के पास, दिखाते हैं आपको कैसा है।
लोगों ने छुपने के लिए जो है यहाँ पर इसमें चलान लगाई थी ताकि वो इसके अंदर जा सके, उनके जान बच सके। ऐसा नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा गहरा था। देख लेते हैं कहीं से जगह है देखने की, देखते हैं कहीं से। शायद बहुत ज्यादा गहरा है। अंदर जा सीढ़ी लगा जाए, अंदर जा सीढ़ी लगा के हम देख लेंगे। सारे पैसे इकट्ठे कर लो मुझे। दस बीस तीस चालीस पचास साठ अस्सी नब्बे तो ये जो यहाँ पर ये पैसे वैसे रखे हैं ना, ये किस चीज के काम आते हैं? ये जहाँ पे मरम्मत के काम आ जाते हैं, ये लोगों का प्यार है, पैसे नहीं है। पैसे ये लोगों का थोड़ा सा प्यार है, उनके याद के लिए, जो उनके अपने आप देने के लिए, वो इच्छा जो मन से जा कर वो पैसे का रूप नाम लिया। ये कुआं तकरीबन 300 फीट जो डूंगा है, 300 फीट गहरा है। तो जब लोग इसके अंदर गहरे उन्हें लगा कि वो बच जाएंगे इसके अंदर जाके, पर ये कुआं उन्होंने इसे शहीदी कुआं नाम है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को इसके अंदर जाके कोई भी शहीद बाहर ये उस टाइम नहीं होती। ये है यहाँ पर वो गोलियों के निशान, ये है गोलियों के जो उस टाइम हुआ था यहाँ पर, देख सकते हैं उसके द्वारा बुलेट किया तो इतने इतने डूंगे हैं वहाँ पर। तो गाइस हमारे कुछ दोस्त गुम हो गए थे, बड़ी मुश्किल से हमें मिल गया है। ये है जशन, कैसे हो जशन? अमन कहाँ चला गया था तू? यार तुम छोड़ के चले गए, पता नहीं गया कैसे बंदे हो। अरे हम तुमको छोड़ के नहीं जा सकते यार। गोल्डन टेम्पल गए, म्यूजियम गए, वहाँ लंगर खा के आए थे। हम वहाँ 4000 रुपए दे रहे थे, खाना नहीं मिला, जितना वहाँ मिला वाह वाह चावल कैसा टेस्टी था, दाल उड़की दाल टेस्टी लाजवाब। तुमने खाया लंगर खाया ना? कहाँ तुम लेके कहाँ गए भैया? तो यहाँ होटल के उसने, हमने लंगर में ऐसा खाना खाया कि हमको इतने पैसे देके भी उसके बराबर खाना नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए मिले बाबा तांत्रिक, यहाँ में नंबर दे देंगे, जलियांवाला बाग क्रॉस करना, उनके टेम्पलेट वहीं पे पड़े होते हैं। चलो ठीक है, अभी यह है दूसरी तीसरी गैलरी, गैलरी 3। दो में तो हम गए ही नहीं, दो दूसरी में हम गए नहीं, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, देख ले। गाइज ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद है आप सबको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। और गाइज मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर इस ब्लॉग में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में किसी और जगह पर, तब तक के लिए बाय, गुड बाय करो सभी यार, बाय शाहरुख, बाय गाइज़।